आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके जीवन के उन संघर्षों के बारे में जिनको आपने बचपन से देखा है। देखिए, मुझको लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं कहीं संघर्ष आता है, उस संघर्ष से बहुत सीखने को मिलता है। हमको लगता है पॉजिटिविटी से जिया जाए तो बहुत संघर्ष बड़े सीख देखे जाते हैं। कई कठिन परिस्थितियों को आपने देखा है, तो इसके साथ साथ शिक्षा कैसे ग्रहण करी, किन किन परेशानियों का सामना करा? कभी कभी स्कूल जाते थे लेकिन ये भरोसा रहता था कोई फेल करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हमको, क्योंकि मुझको अपनी मेहनत भरोसा था कि हम अगर रात में पढ़ेंगे और सुबह जाकर एग्जाम दे आएंगे तभी पास हो जाएंगे। आपने SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बच्चों को शिक्षा देना ही आपका एक मेन उद्देश्य था या फिर प्रॉफिट भी? इतने सारे बच्चे, इतना सारे प्यार बच्चों को मिलता है, मैं ताजुब करता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को 6 साल की बेटी, हमारे यहाँ नाम लिखाता है कोई 18 साल की बेटी को लेकर आता है, तो इतने दूर दूर से बच्चे आना एक बड़ी बात है और उनको सेवा करने के लिए हमको विशेष मौका मिला हुआ है। और जब कोई सेवा करने का मौका मिलता है मैं बख्शता नहीं, छोड़ता नहीं। फिर आपको सीतापुर की जनता से काफ़ी प्यार मिलता है, क्या यही वजह है कि भाजपा ने आपको सीतापुर से ही पहला चुनाव लड़ाया? मुझको लगता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत ही सोच समझ करके वो सिलेक्शन करती है। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप अपना गुरु किसे मानते हैं, किसे प्रेरणा स्रोत मान के आप राजनीति में आए? लोगों की जो जरूरत है उसको मैं गुणवत्ता परक और कम पैसे में कैसे प्रोवाइड कर सकें, ये मेरी सोच थी बचपन से। फिर उसको देखते हुए फिर मुझको लगा कि अब जनप्रतिनिधि के रूप में समाज के लिए मैं कैसे कैसे हर क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। अभी जैसे हमारा मैंने वृक्षारोपण बहुत जबरदस्त कर चला, पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में वृक्षारोपण बड़ा काम कर रहे हैं। MLC चुनाव में आपको सीतापुर से 98% वोट मिले, आपने ऐसा सोचा था कि आपको इतना प्यार मिलेगा जनता का? मैं इतना तो नहीं सोचा था, ईमानदारी से बात थी, इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन ये बड़ी बात थी कि 99.4% पोलिंग हुई, ताकि विपक्ष ये नहीं कह सके किसी को नहीं डलाया गया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।